अब तो खालू की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा पहले से बहुत बेहतर है। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं रानी से मिलने उसकी कॉलेज गई थी, काफी देर तक इंतजार करती रही, वो आई ही नहीं। फिर एक बच्चे ने बताया कि वो तो काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही। ऐसी क्या वजह हो सकती है? कहीं उस औरत ने उसे कॉलेज से हटवा तो नहीं लिया? कितनी फिक्र है ना तुम्हें रानी की। मैं मैंने छोटी बहन कहा है उसे। सोनिया, सुल्तान भाई बहुत परेशान हो, उससे तुमसे शर्मिंदगी है। रहने दो, उसे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें कैसे पता? वो मैं मिला था उससे। क्यों? सोनिया, मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती। मैं जानता हूं तुम उनके बगैर खुश नहीं हो। प्यार और मोहब्बत से बढ़कर इज्जत और गैरत होती। उसने मेरे किरदार पर हमला किया, बेइज्जत किया मुझे। मैं कैसे भूल सकती हूँ ये सब? सोनिया, उसे गलत फहमी हो गई थी। मैं कोई गैर नहीं हूं, बीवी हूं उसकी। वो मुझे अपनी बीवी को नहीं समझ सका, दूसरों की बातों पे आ गया। मैं जब जब इस बारे में सोचती हूँ मेरे मेरे सर से पांव तक आग लग जाती। क्या सोच लिया उसने हमारे बारे में? सोनिया, उसे जरूरत है तुम्हारी। जरूरत है तो यहां क्यों नहीं आ जाता? आकर मुझसे बात क्यों नहीं करता? माफी क्यों नहीं मांगता मुझसे? वो जब तक यहां नहीं आएगा मैं सारी जिंदगी अपने बाप की चौखट पर गुजार दूंगी, मगर वापस नहीं जाऊंगी। नहीं 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 सोनिया, मुझे मुझे यकीन है वो आएगा, वो जरूर आएगा। गुमसुम सा रहने लग गया है वो। उसे तो खालू की बीमारी के बारे में भी मालूम नहीं था, वरना वो अड्डे पर जाता है, लेकिन बस सारा दिन एक तरफ खामोश बैठा रहता है।